नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवम ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ हटके। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के बारे में। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी के आप जैसे कि जानते हैं, इस समय जनरल का नाम है जनरल बिपिन रावत। तो दोस्तों, जनरल बिपिन रावत हैं जो उनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2019 के लिए समाप्त हो रहा है, और उनकी जगह नए चीफ कौन होने वाले हैं इसके बारे में मैं आपके लिए डिटेल में बताऊँगा। और नए चीफ कौन होने वाले हैं, किस रेजिमेंट से हैं वो, उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, इसके बारे में आपको सभी जानकारी बताऊंगा। तो ये वीडियो एंड तक देखते रहिए, आपके लिए एक इंडियन होने के नाते ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इंडियन आर्मी, जॉब नोटिफिकेशन, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज की वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाड़े, तो इनका फोटो ये है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाड़े, ये होंगे हमारे भारतीय सेना के अगले आर्मी चीफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाड़े होंगे अगले आर्मी चीफ। नंबर सेकेंड में आप देख सकते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाड़े होंगे अगले आर्मी चीफ, जनरल बिपिन रावत की लेंगे जगह। तो ये जनरल बिपिन रावत हैं जो 31 दिसंबर 2019 के लिए, जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और ये सेना से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, मतलब रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो इनकी जगह लेंगे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाड़े। तो 1 जनवरी 2020 के लिए ये पदभार संभालेंगे भारतीय सेना के जनरल का। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज है दोस्तों, नए साल वाले दिन हमारे लिए एक नया सेना प्रमुख मिल जाएगा। तो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत का कार्यकाल 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत का कार्यकाल 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है, इसलिए लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाड़े भारतीय सेना के नए सेना प्रमुख होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाड़े के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाड़े भारतीय सेना के नए आर्मी चीफ होंगे। सितंबर महीने में ही उन्होंने वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जिम्मेदारी संभाली थी, मतलब सितंबर 2019 में उन्होंने वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जिम्मेदारी संभाली थी। तो दोस्तों, इनके लिए ऑपरेशन और कमांड का लंबा अनुभव रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल नरवाड़े मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत के बाद सबसे सीनियर अधिकारियों में से एक थे। तो ये जनरल बिपिन रावत के बाद में इंडियन आर्मी में सबसे सीनियर अधिकारियों में से एक हैं, इसीलिए इनके लिए नेक्स्ट आर्मी चीफ चुना गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ फोटोज दिखाने वाला हूँ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाड़े, ये इनका फोटो है, प्रपोज्ड आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाड़े, और अभी जो प्रेजेंट में हमारे आर्मी चीफ हैं उनका नाम है जनरल बिपिन रावत। तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाड़े जनरल बिपिन रावत का चार्ज संभालेंगे 1 तारीख के लिए, और ये भारतीय सेना के अगले आर्मी चीफ होंगे। आर्मी चीफ के लिए दोस्तों COS भी कहा जाता है, COS का फुल फॉर्म होती है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो यहाँ पे दोस्तों, ये काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, और वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत का कार्यकाल 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। इस तरह से नए साल के मौके पर भारतीय सेना को नए मुखिया मिल जाएंगे। इससे पहले सितंबर 2018 में लेफ्टिनेंट जनरल मुकुंद नरवाड़े को ऑपरेशन के लिहाज से महत्वपूर्ण ईस्टर्न कमांड की जिम्मेदारी दी गई थी, तब से ही उन्हें अगले आर्मी चीफ की रेस में माना जा रहा था। तो दोस्तों, सितंबर 2018 में इनके लिए ईस्टर्न कमांड, जो कि कोलकाता में स्थित है, की जिम्मेदारी संभाली गई थी, मतलब GOC कोलकाता का इनके लिए जनरल बनाया गया था, तब से ही वो अगले आर्मी चीफ की रेस में माना जा रहा था। तो अब जाकर इनका इंतजार खत्म हो गया है और ये भारतीय सेना के नए आर्मी चीफ बनने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप 6 नंबर में देख सकते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाड़े ने रविवार को सेना के उपप्रमुख का पदभार संभाला। तो रविवार के लिए इन्होंने भारतीय सेना के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार संभाल लिया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जब
वर्तमान सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होंगे, तब लेफ्टिनेंट जनरल नरवाड़े सेना प्रमुख के पद की दौड़ में होंगे, क्योंकि वह वरिष्ठतम कमांडर होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल नरवाड़े लेफ्टिनेंट जनरल डी अंबू की जगह लेंगे, जो शनिवार को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो खबर है मैं आपके लिए किसी भी न्यूज़ चैनल से भी पहले दे रहा हूँ। अभी तक आपने किसी न्यूज़ चैनल में भी नहीं सुना होगा कि भारतीय सेना के जो जनरल हैं, मौजूदा जनरल बिपिन रावत, उनका कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, और न्यू जनरल कौन होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों एवरी इंडियन के लिए। इस वीडियो को इतना फैलाओ कि पूरी इंडिया क्या पाकिस्तान भी कांप जाए, पाकिस्तान तक इस वीडियो पहुंचे, और उनके लिए भी ये पता चले कि हमारे अगले आर्मी चीफ कौन होने वाले हैं। तो नेक्स्ट में आप देख सकते हैं दोस्तों, वह जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स की एक बटालियन और पूर्वी मोर्चे पर इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमान भी संभाल चुके हैं। वह श्रीलंका में शांति मिशन दल का भी हिस्सा रह चुके हैं, और वह म्यांमार में भारतीय दूतावास में 3 साल तक भारत के रक्षा दल से रहे हैं। तो दोस्तों, आप जैसे कि जान सकते हैं, इन्होंने जम्मू कश्मीर में भी सर्विस की है। तो ये जम्मू कश्मीर में एक बटालियन का मोर्चा संभाल चुके हैं, और इन्फेंट्री ब्रिगेड का भी पूर्व में मोर्चा कमांडर रह चुके हैं। वह श्रीलंका में भी शांति मिशन का हिस्सा रह चुके हैं, और म्यांमार में 3 साल तक भारतीय दूतावास में रह चुके हैं। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा भारतीय सेना के लिए काम किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं इनकी एजुकेशन की। तो वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी मतलब एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी और भारतीय सेना अकादमी मतलब IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के पूर्व छात्र रह चुके हैं। तो मतलब इन्होंने एनडीए कमीशन ली थी, एनडीए के बाद में इन्होंने अपनी 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए IMA ज्वाइन किया। उन्होंने जून 1980 में सिख लाइट रेजिमेंट इन्फेंट्री की 7वीं बटालियन में कमीशन मिला था। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जून 1980 में इन्होंने कमीशन ली थी सिख लाइट इन्फेंट्री की 7वीं बटालियन में। मतलब ये सिख लाइट इन्फेंट्री जो है, इसका जो सेंटर है वो फतेहगढ़ में स्थित है दोस्तों। तो इसमें भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने भारतीय सेना के सभी रेजिमेंटों की स्थापना के बारे में बताया है, कब कौन से रेजिमेंट की स्थापना हुई। तो दोस्तों, 1980 में इन्होंने सिखलाइट इन्फेंट्री की 7वीं बटालियन में कमीशन मिला। सेना ने एक विज्ञप्ति में कहा, उनके पास सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में काम करने का लंबा अनुभव है। तो सेना ने बताया कि दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाड़े के पास सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में काम करने का लंबा अनुभव है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं सिखलाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट जो कि फतेहगढ़ में स्थित है, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट के फतेहगढ़ में स्थित है, उसकी 7वीं बटालियन में उन्होंने जून 1980 में कमीशन ली थी। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सिखलाइट इन्फेंट्री के इससे पहले 2 जनरल और रह चुके हैं, और अभी ये तीसरे जनरल हैं। इससे पहले सिखलाइट इन्फेंट्री के जनरल थे जनरल विक्रम सिंह। तो नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में काम करने का अनुभव। सेना के उपप्रमुख का पदभार संभालने से पहले लेफ्टिनेंट जनरल नरवाड़े सेना की पूर्वी कमान की अगुवाई कर रहे थे, जो चाइना के साथ लगती भारत की करीब 4000 किलोमीटर लंबी सीमा को देखभाल करती है। उन्होंने 37 साल की अपनी सेवा के दौरान कई कमान में अपनी सेवा दी। जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर में आतंकवाद निरोधक अभियानों में सक्रिय रहे और कई अहम जिम्मेदारियां संभाली। तो दोस्तों, ये पिछले 37 साल से भारतीय सेना में सेवा दे रहे हैं, और इससे पहले उपप्रमुख का चार्ज संभालने से पहले ये पूर्वी कमान की अगुवाई कर रहे थे, मतलब पूर्वी कमान के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों, इन्होंने 4000 किलोमीटर की जो भारत की सीमा चाइना से लगती है, उसका इन्होंने काफी ज्यादा टाइम तक ध्यान रखा है, तो मिल चुके हैं कई सम्मान। तो दोस्तों, इनके लिए जो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाड़े हमारे अगले प्रपोज्ड आर्मी चीफ हैं, उनके लिए कई सम्मान भी मिल चुके हैं। उन्हें जम्मू कश्मीर में अपनी बटालियन की कमान प्रभावी तरीके से संभालने को लेकर सेना पदक मिल चुका है, मतलब सेना मेडल भी इनको मिल चुका है, और उन्हें नागालैंड में असम राइफल उत्तरी के महानिरीक्षक के तौर पर उल्लेखनीय सेवा को लेकर विशिष्ट सेवा पदक VSM तथा प्रतिष्ठित स्ट्राइक को लेकर कमान संभालने को लेकर अति विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा जा चुका है। उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक से भी संभाला जा चुका है। तो दोस्तों, इनके लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल और सेना मेडल और युद्ध सेवा मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों,